डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मेरठ के शिक्षक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। जी हां, टीचर के पास मैनपुरी के नंबर को व्हाट्सएप कॉल कर 5 लाख रुपए मांगे गए हैं। वहीं पैसे ना देने पर टीचर को जान से मारने की धमकी दी गई है। बता दें, मेरठ के नवजीवन इंटर कॉलेज कस्तला के आर्ट टीचर डॉक्टर नीरज शर्मा से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। टीचर की शिकायत पर गंगानगर थाने में अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। टीचर ने बताया कि पहले दिन 8 नवंबर को मुझे एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वालों ने कहा कि हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं। उसी गैंग की DP भी लगा रखी थी। गाली गलौज करते हुए कहा कि हम तेरे बारे में सब जानते हैं, तू कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, सब पता है। कॉलर ने मुझसे 5 पेटी मांगते हुए कहा, अगर 5 पेटी नहीं दी तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, तेरे घर पर तेरी लाश जाएगी, जान से मारने की धमकी भी दी। टीचर ने बताया कि बाद में कॉलर ने DP भी हटा दी। शिक्षक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं शिक्षक ने सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने उसे एक कांस्टेबल देने की बात कही है। शिक्षक ने उस नंबर को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि की जा रही है कि क्या ये व्यक्ति वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है या फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई और ये कॉल्स करके टीचर को ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए इस बारे में पीड़ित डॉक्टर नीरज से मिली जानकारी। मैं नीरज शर्मा सर। किसकी कॉल आई थी और क्या धमकी दी उन्होंने? एक्चुअली जो व्हाट्सएप कॉल मुझे आई है, 2 दिन से आई है। पहले दिन जब मुझे कॉल आई है 8 तारीख में, तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी, और उन्होंने बताया ना तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, किस टाइम जाता है। और उन्होंने अपने आप को जो बताया वो बताया था बिश्नोई गैंग का से हम हैं, कि 5 लाख 5 पेटी कहा उन्होंने कि 5 पेटी। मैंने पहले तो फ़ोन कट कर दिया कि वैसे ही होगा। हाँ जी, नहीं लॉरेंस का नाम मिल गया, उसने बिश्नोई गैंग से बताया, और उसने DP भी बिश्नोई गैंग की लगा रखी थी उस व्हाट्सअप नंबर से जिससे कॉल आ रही थी, मैंने चेक किया। अब वो DP उसने हटा दी है, तो उन्होंने ये बताया कि बिश्नोई गैंग से हैं, और अगर 5 लाख रुपए तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हारी लाश आएगी घर पर। मतलब आप करते क्या है? मैं नवजीवन इंटर कॉलेज में प्रवक्ता कला से नियुक्त हुआ हूँ 2021 बैच में। आपने इसकी शिकायत पुलिस को की? इसकी शिकायत मैंने सुबह अपने साथियों को बताया 9 तारीख में, फिर इसकी मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, वहाँ से पुलिस आई, और जैसे ही वहाँ से 112 नंबर पर कॉल मेरी चली रही थी तो तुरंत जो है पुलिस आई, उन्होंने कहा आप एक बार नंबर डायल करो, ये व्हाट्सअप कॉल ही करो। तो हमने कॉल करी, उसने पिकअप करा, फिर उसने कहा कि मैं एक नंबर दूंगा उसको तुम्हें ये पैसा भेजना है। और मैं पैसे भेजने की बात, हाँ पुलिस के सामने ही, बल्कि जो उस पर विकास राणा थे मौजूद थे उस समय, उन्होंने ही बात करी थी, तो उनको ही उन्होंने कहा, उसे तो पता नहीं था कि ये पुलिस बात कर रही है। मुकदमा मेरा दर्ज हो चुका है और पूरा प्रशासन ये आश्वासन दे रहा है कि इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। FIR की कॉपी मैंने अभी रिसीव करी है। उन्होंने सुरक्षा वगैरह की मांग की है? सुरक्षा की मांग की है, उन्होंने कहा है कि एक कांस्टेबल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और बाकी राजपाल सिंह जो SHO हैं वो छुट्टी पे हैं, उन्होंने पूरा कोऑपरेशन करने के लिए कहा है, थोड़ा अपना ध्यान रखने के लिए कहा है। तकरीबन कितने समय से कॉलिंग का सिलसिला चलता आ रहा है? आपसे पहले भी कभी आपके पास? आपसे पहले कभी नहीं हुआ सर, और ये सिर्फ हुआ है 8 तारीख में आई है, दोपहर के समय 2:30 बजे के करीब, और फिर 9 तारीख में आई है ये 10:30, 10:25। देखिए SP देहात केशव कुमार ने इस बारे में क्या कहा। सर, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक रंगदारी मांगी गई है, क्या है पूरा? देखिए तहरीर में कहीं भी लॉरेंस या इस तरह के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है। एक कॉल जरूर आया है एक नंबर से, जिसमें एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए डिमांड किया गया है, उसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और सर्विलांस की टीम उस नंबर की डिटेल निकाल रही है, कुछ चीज़ें भी पुलिस के हाथ क्लू लगे हैं, और इसमें शीघ्र घटना का जो पूरा है वो क्लियर किया जाएगा कि क्या है पूरा मामला, और
कार्रवाई की जाए। सर किसी गैंग का नाम लिया, किसी नाम से किसी नाम सुनाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो तहरीर है उसमें किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, केवल ये है कि एक मोबाइल नंबर है जिससे कि इनसे 5 लाख रुपए मांगे गए हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, उस मोबाइल नंबर की सारी डिटेल्स निकल गई। कहाँ का पता लगा अभी तक वो नंबर? देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी बताना सही नहीं होगा, जो भी आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी आपको अवगत कराया जाएगा। जिससे मांगी क्या काम करते हैं? उसी की तो डिटेल निकलवाई जा रही है कि जिन लोगों ने जिनसे मांगी गई वो टीचर हैं, वो स्कूल में पढ़ाते हैं, उनसे मांगा गया। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान एकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान एकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।